हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद जीशान गरीब नवाज यूनानी क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर मवई काजियान बहेड़ी बरेली से। आपने देखना शुरू कर दिया हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर जीशान A.S। दोस्तों आज मैं बात करूंगा हमदर्द साफी की। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हमदर्द का एक बहुत ही मशहूर प्रोडक्ट है और उनका अपना खुद का पेटेंट प्रोडक्ट है, किसी और कंपनी में इस नाम से प्रोडक्ट नहीं आता है। आज मैं इसके बारे में आप लोगों को पूरी डिटेल बताऊंगा कि इसके क्या क्या फायदे हैं और इसमें कौन कौन सी दवाएं शामिल की गई हैं, इसको कैसे बनाया जाता है, इसकी डोज या मकदार खुराक जो है वो कितनी है और इसके क्या साइड इफेक्ट हैं, इसको कौन और कब कितना ले सकते हैं। सारी बात बताने से पहले दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटे वाला बटन ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप पहले देख करके फायदा उठा सकें। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम हमदर्द साफी की। एक बहुत ही मशहूर प्रोडक्ट है जैसा मैं बता ही चुका हूं। इसमें दोस्तों इसके जो फंक्शन है, पहले मैं आपको इसके फंक्शन बताऊंगा, फिर उसके बाद ये भी बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी दवाएं शामिल की गई हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे खास और एक ही इसका फंक्शन है, वो है मुसफ़ी खून। मुसफ़ी खून का मतलब होता है ब्लड प्यूरीफायर, मतलब खून को साफ करने वाली दवा। अब खून को साफ करने वाली दवा है, लेकिन खून में जब डिसऑर्डर हो जाते हैं, गंदगी पैदा हो जाती है, तो उसकी वजह से कितनी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। उन तमाम बीमारियों में ये फायदा करती है। जैसे मैं आपको मिसाल देते चलूं, चेहरे पर दाने निकल आए, पिंपल्स, एक्नी वगैरह, इन चीजों को दूर करने या इस तरह की परेशानियों को बहुत आसानी से दूर कर देती है अगर इसको हम लगातार थोड़े दिन इस्तेमाल कर लें। मैं भी बताऊंगा कितने दिन हमें इस्तेमाल करना है। जिन लोगों के आए दिन खारिश, खुजली की शिकायत होती रहती है, फोड़े फुंसी निकलते हैं, चेहरे पर दाग हैं, ब्लैक कलर के स्पॉट हैं, तो वो लोग भी इस सिरप का इस्तेमाल करें, उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा मुफीद है। खासतौर से फीमेल के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है, जिन फीमेल्स के चेहरे पर आए दिन दाने निकल आते हैं, एक्नी रहती है, पिंपल्स रहते हैं, तो मेल फीमेल हालांकि दोनों के लिए ही उतना ही काम करते हैं। और एक इसका एक फायदा ये भी है, ये चेहरे को खूबसूरत बनाता है, ग्लो लाता है, चेहरे पर खूबसूरती आती है इसको लगातार इस्तेमाल करने से। ये एक सिरप है, सिरप मतलब अगर कहा जाए यूनानी में इसको शरबत भी कहते हैं, और हमदर्द कंपनी का है। इसको हमदर्द मेडिकल स्टोर या यूनानी मेडिकल स्टोर पर आप आसानी से खरीद सकते हैं। इसके MRP की अगर बात करें तो ये 100 ml और 200 ml में दो तरह का प्रोडक्ट आता है, और 100 ml लगभग 55 रुपए के आसपास MRP होती है इसकी, और 200 ml जो है 99 या 95 के तकरीबन इसकी MRP होती है। तो ये तो इसके बात हुई दोस्तों फंक्शन की। अब बात करें दोस्तों इसके नुस्खे की, इसमें कौन कौन सी दवाएं शामिल की गई है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सना का इस्तेमाल किया गया है। सना मक्की एक दवा होती है और ये मुलयन दवा है, मुसहिल और मुलयन दवा है, मतलब हमारे जिस्म की गंदगी को ये बाहर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे ब्लड के डिसऑर्डर को खत्म करती है और साथ में दोस्तों ये स्टोमक को भी मजबूत देती है। तो इसमें सना मक्की का इस्तेमाल किया गया, या ऐसा कहें सिर्फ सना का इस्तेमाल किया गया, बात एक ही है। उसके बाद में दूसरा रेवन चीनी का इस्तेमाल किया गया, जो ब्लड प्यूरीफायर तो है ही है, यानी कि खून को साफ करने का काम करती है रेवन चीनी, साथ में हमारे लीवर को भी इम्प्रूव करती है या लीवर को भी ताकत देती है, लीवर को मजबूत करती है। तीसरी इसमें जो दवा है वो नीम है। नीम के बारे में सभी जानते हैं कि एक मुसफ़ी खून या ब्लड को साफ करने वाली या ब्लड डिसऑर्डर को खत्म करने वाली दवा है, वो भी इसके अंदर मिलाया गया है या इसमें कंटेंट के तौर पर शामिल किया गया है। उसके बाद में चिरैता का इस्तेमाल किया गया है। चिरैता भी दोस्तों ज्यादातर लोग जानते हैं कि ये भी खून को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल सदियों से चला रहा है। नीम, रेवन चीनी, सना और चिरैता, ये सब ब्लड प्यूरीफायर बहुत अच्छी दवाएं हैं, बहुत मशहूर दवाएं भी हैं, और घरों में लोग आज भी इसको मुफरद या सिंगल के तौर पर डायरेक्ट ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं। तो चिरैता इसमें इस्तेमाल किया गया। उसके बाद में दोस्तों तुलसी का भी इस्तेमाल किया गया। तुलसी के बारे में जानते हैं, माना जाता है कि ये ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़िया करता है और बॉडी को फिट रखने के लिए बहुत ही शानदार दवा है। हालांकि इसके साथ साथ और भी कई सारी इसमें दवाएं शामिल की गई, लेकिन खास खास जो दवाएं हैं वो मैंने आपको बता दी यहाँ पर। तो ये तो हुई इसके नुस्खे की बात। अब अगर बात करें दोस्तों इसके डोज या मकदार खुराक की, तो दोस्तों डोज बताने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, डोज अगर आप बात करें तो 10 ml, 10 से 15 ml, 15 साल से ऊपर के लोग 10 से 15 ml दिन में 2 बार ले सकते हैं, खाना खाने के तकरीबन 1 घंटे बाद में।
याद रहे एक खाना खाने के एक घंटे बाद ही लेना है, खाना खाने के फौरन बाद बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, कोई फायदा नहीं होगा, इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा, इसलिए एक घंटे बाद ही इस्तेमाल करें। हो सके तो 250 ml पानी के में मिलाकर के इस्तेमाल करें, सादा पानी भी ले सकते हैं लेकिन ज्यादा बेहतर है कि हल्का गुनगुना पानी लें, यानी हल्का गर्म पानी, नियम गर्म जैसे कहते हैं वैसा पानी लें तो ज्यादा फायदा रहेगा। दोनों वक्त इस्तेमाल करें सुबह शाम। जिन लोगों को ज्यादा स्किन प्रॉब्लम है, ये भी बता दूं कि स्किन की तमाम बीमारियों में इस सिरप का या इस साफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिन लोगों को ज्यादा परेशानी है, बार बार दाने निकलते हैं, फोड़े फुंसी बार बार निकलते हैं, पिंपल्स बहुत ज्यादा रहते हैं, तो वो दिन में 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह शाम दोपहर शाम, तीनों बार खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करें, वैसे सुबह शाम ही इस्तेमाल करें तो भी बेहतर है। उसके बाद में बच्चों में डोज उम्र और वजन के हिसाब से कम करते जाएं। याद रहे सादा भी ले सकते हैं, बिना पानी के भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि गर्म पानी और पानी में ही मिला करके लें तो ज्यादा अच्छा है। एक चीज और दोस्तों, इसके अगर साइड इफेक्ट की हम बात करें तो इसमें शक्कर का इस्तेमाल किया जाता है, शुगर होती है, तो जिन लोगों को डायबिटीज या शुगर की शिकायत है वो हरगिज डायरेक्ट इस्तेमाल ना करें, अपने नजदीकी डॉक्टर से मशवरे के बाद ही इस्तेमाल करें। या आप कोई भी इस्तेमाल करना चाहते हैं बिना किसी परेशानी के भी, तो भी आप अपने नजदीकी डॉक्टर से मशवरा लेने के बाद ही हमारी बताई हुई दवाओं को इस्तेमाल करें। क्या पता आपको क्या परेशानी है और ये किस तरह से आप बिना देखे, मैं भी ऐसे नहीं कह सकता, तो इसलिए आप जो है अपने नजदीकी डॉक्टर से मशवरे के बाद ही दवाएं इस्तेमाल किया करें, वो ज्यादा बेहतर है। अब अगर बात करें दोस्तों कि इसको कितने दिन तक लिया जाए, जो मैंने परेशानियां बताई हैं दोस्तों, कम से कम इसमें 1.5 से 2 महीने लगातार इस्तेमाल करें, चेहरे की या स्किन की जो परेशानियां बताई हैं, तो उसमें बहुत बहुत अच्छा आराम मिलेगा, क्योंकि ये यूनानी दवा है, नेचुरल दवा है, तो एकदम आसानी से जल्दी से काम नहीं करती, बहुत स्लो काम करती है, लेकिन मर्ज को जड़ से खत्म करने का काम करती है। तो इसलिए थोड़े दिन लगातार इस्तेमाल करें, और उसके बाद में इस दौरान ऑयली चीजों से बचें, बाहरी खाना बिल्कुल ना खाएं, हाजमे को दुरुस्त रखें, कब्ज ना होने दें, पानी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, तब ये सिरप जो है बहुत अच्छा काम करेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो मैंने जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, और किसी तरह की सलाह देना चाहते हैं, मशवरा देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और किसी मर्ज के ताल्लुक से आप हमसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से आप हमसे व्हाट्सएप पर बात भी कर सकते हैं, हम वहां भी आपको तरह तरह की बीमारियों का इलाज बताते हैं। और भी अगर ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी बहुत सारी वीडियो पहले से मौजूद है यूनानी दवाओं की और इलाज के ताल्लुक से और हिजामा थेरेपी के ताल्लुक से, तो आप हमारी और भी वीडियो देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें, खुदा हाफिज़।